हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आई अब्दुल अहबूस्तार योर इंग्लिश टीचर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि कैसे और किस सेंस में यूज़ होते हैं जैसे डेफिनेट कहाँ यूज़ होते हैं और इनडेफिनेट कहाँ यूज़ होते हैं उसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी वो कौन से सेंटेंसेज हैं जिनमें आर्टिकल्स यूज नहीं होते पूरी डिटेल से देखेंगे इससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड क्लिक ऑन बेल बटन फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आर्टिकल्स आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या द अ और एन एंड द आर दर कॉल्ड आर्टिकल्स अ या एन और द ये adjectives हैं बट आमतौर पर इनको आर्टिकल्स कहा जाता है दे आर रियली असल में ये सफ इशारा हैं क्योंकि ये भी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं देर आर टू आर्टिकल्स इन डेफिनेट एन डेफिनेट अर एन इज़ कॉल्ड इनडिफिनट आर्टिकल अ और एन को इंडेफिनट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज इट यूली डो नॉट पॉइंट्स आउट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ क्योंकि ये आमतौर पर उस शख्स या चीज़ की निशानदेही नहीं करता जिसके बारे में बात की जाती है द इज़ डेफिनट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट समलर पर्सन और थिंग क्योंकि ये आमतौर पर किसी खास शख्स या चीज़ की निशानदेही करता है इनडेफिनेट आर्टिकल किसी शख्स या चीज़ की निशानदही नहीं करता लेकिन डेफिनेट आर्टिकल किसी शख्स या चीज़ की निशानदेही करता है इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन द इनडेफिनट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस फॉर एग्जाम्पल अ बुक ऑरेंज अ गर्ल एटसेट्रा इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं हमें देखना ये है कि अ कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है चॉइस बिटवीन अ एंड एन इज डिटर अ और एन को साउंड के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है आवाज वावल साउंड से शुरू हो तो उसके साथ एन इस्तेमाल किया जाता है जैसे इन एस एन एनिमी एन इन, इन पैड एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला इन आर इन ऑनस्टमैन एंड एन एर अच्छा हमने आर आनेस्ट एयर के साथ एन क्यों लगाई जबकि ये वर्ड्स तो कॉन्सोन लेटर्स से शुरू होते हैं आपको पता है ए ई आई ओ यू ये वावल लेटर्स हैं बाकी कॉन्सोन लेटर्स हैं लेकिन हमने ये पढ़ा कि जिस लफ्स का साउंड वावल हो तो उसके साथ एन इस्तेमाल किया जाता है जैसे आर आनेस्ट एयर ये वाविल साउंड हैं इसलिए इनके साथ एन इस्तेमाल किया जाता है बिफोर वर्ड बिगिन विद अ कंसोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेट साउंड से अ यूज होगा जैसे अ बॉय अ वमेन अ यार्ड अ हॉर्स अ हॉल आल्सो अ यूनिवर्सिटी अ यूनियन अ यूरोपियन एटसेट्रा अच्छा यूनिवर्सिटी यूनियन यूरोपियन ये वर्ड्स शुरू तो वाविलेटर से होते हैं बट इनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट है इसलिए अ यूज होगा बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी यूनियन एटसेट्रा बिगिन विद अ साउंड दैट ऑफ यू सिमिलरली वे अ वन रुपी अ वन आइड मैन इसी तरह हम कह सकते हैं कि वन रुपी वन आइट मैन बिकॉज साउंडल की ये मेन सात पॉइंट देखते हैं बिफोर नाउन डेट वी मैं दर्स्ट टाइम जिसका पहली बार जिक्र करें जैसे आई एम गोइंग टू बाई अट मैं टोपी खरीदने जा रहा हूँ इज य होटल नियर हेयर क्या यहाँ करीब कोई होटल है इन द मीनिंग ऑफ वन और वन ऑफ एक के माना में जैसे आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर मुझे एक गिलास पानी चाहिए आई लाइक अ टी प्लीज मुझे एक चाय चाहिए बिफोर अ काउंटेबल नाउन दैट इज़ प्रिस बाय एन एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन से पहले जो किसी सिफत से पहले हो जैसे इट इज़ अ नाइस फ्लैट ये एक अच्छा फ्लैट है आई नीड अ न्यू कार मुझे एक नई गाड़ी चाहिए आफ्टर वाट इन एक्सक्लेशंस जैसे वॉट अ ब्यूटिफुल व्यू कितना अच्छा नज़ारा है वाट अ गुड सजेशन कितनी अच्छी तजवीज़ है आफ्टर सच इफ़ यू वॉन्ट टू इंटेंसीफाई द मीनिंग अगर मीनिंग को और भी तेज़ करना चाहें तो सच के बाद इनडिफिनेट यूज़ किया जाता है जैसे सच अ डिफ़िकल्टू इतना मुश्किल मसाला सच एन एरगन मैन ऐसा मकरूर आदमी वेन वी स्पीक अबाउट प्रोफेशन रिलीजन्स एंड नैशनल्टीज जब हम पेशों मजाब और कौमियतों के बारे में बात करें जैसे ही इज़ अ डॉक्टर वो एक डॉक्टर है वो वो एक she is a Muslim, वो एक अमेरिकी है. है. मुसलमान और जब हम चीजों की मकदार का इजहार करें जैसे शी कम्स ट्वाइस अ डे वो दिन में दो बार आती है इट costs थ्री डॉलर अ किलो ये तीन डॉलर में एक किलो है ये थी इनडिफिनेट आर्टिकल की सात पॉइंट्स